हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बीन्स की सब्जी। आलू बीन्स की सब्जी दोपहर के खाने में और रात के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भरपूर प्रोटीन और पोटाशियम है। तो आइए देखिए, आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। 100 ग्राम हमने बीन्स लिए हैं, जिसको हमने बिल्कुल धोकर साफ कर लिया है। और दो हमने आलू लिए हैं, इनको भी हमने धो लिया है। एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और दो हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और दो चम्मच हमने तेल के लिए हैं। तो सबसे पहले हम बीन्स को छोटा छोटा काट लेंगे और आलू को भी हम छोटा छोटा काट लेते हैं। बीन्स को काटना शुरू करते हैं। बीन्स का हम आगे का और पीछे का ये छोटा सा पार्ट उतार देंगे और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। इस तरीके से हम सारे बीन्स को छोटा छोटा काट लेंगे। ये इस तरीके से हमने सारे बीन्स को छोटा छोटा काट लिया है। सारे बीन्स छोटे छोटे कटकर हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसी तरीके से आलू को भी छील कर छोटा छोटा काट लेंगे। आलू भी हमारे छोटे छोटे कटकर तैयार हैं। आलू बीन्स की सब्जी हमारी कटकर तैयार हो गई है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम प्याज को भून लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर को डालकर और हरी मिर्च को डालकर भी भून लेते हैं। तो हम इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर को डालकर अच्छे से इस मसाला को भून लेंगे। मसाला को हमने खूब अच्छे से भूनना है। इस मसाला को हमने इतने अच्छे से भूनना है कि हमारे को मसाला की साइड में इसका घी दिखाई देने लग जाए। जब हमें इसका घी दिखाई देने लग जाएगा तब हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा मसाला भुन चुका है। मसाला हमारा भुन कर तैयार हो गया है, इसका घी हमें साइड में दिखाई देने लगा है। और अब हमारे पास जो कटे हुए बीन्स और आलू हैं वो इसमें डालकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आलू और बीन्स को हम मसाला में अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू बीन्स की सब्जी को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसको 3 या 4 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और आंच को हम कम कर देते हैं। सब्जी को हम ढक देते हैं। बीन्स को रखे हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी बीन्स और आलू की सब्जी हमारी पूरी तरह से नरम नहीं हुई, इसको हम और 1 मिनट के लिए गैस पर रखेंगे।
और 1 मिनट हो गया है, सब्जी को फिर चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये हरा धनिया हम डाल देंगे और इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं। स्वाद और पौष्टिक से भरपूर सब्जी हमारी आलू बीन्स की तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।